हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई देखिए, इसका एक वीडियो तो हमने जिस वक्त इस इंजन को ओपन किया था उस वक्त का एक वीडियो तो हमने डाल चुका है यूट्यूब के ऊपर, आप लोग देख भी रहे हैं, आपका प्यार भी मिल रहा है उस वीडियो को। तो भाई आज हम इसके पास आए, आज हम इसको पूरी तरीके से फिटिंग करेंगे। इस पावर टिलर का इंजन हम पूरी तरीके से फिटिंग करेंगे आज। तो सब में पहले टॉपिक जो है आज इसका रेडिएटर का है। ये देखिए 2022 में जितना भी VST कंपनी ने पावर टिलर लॉन्च किया है उस पावर टिलर को ये फाइबर का टाकी दिया है। रेडिएटर जो है कि फाइबर का दिया है, पूरा ऊपर फाइबर टॉप है, नीचे एल्युमिनियम है। तो भाई इस रेडिएटर का बहुत सारे पावर टिलर में प्रॉब्लम आया कि रेडिएटर लीकेज हो जाता है, कूलिंग नहीं करता, ये फाइबर ऊपर से ब्लास्ट हो जाता है। इसका ये प्रॉब्लम है इस पावर टिलर का, 2022 के मॉडल में ये प्रॉब्लम आ चुका है। आप तो कंपनी चेंज करके दे रही है, फिर से मानी कम दे रही है रेडिएटर। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इसका, एक्चुअली प्रॉब्लम जो है कि ये रेडिएटर का प्रॉब्लम नहीं है, इसका प्रॉब्लम है ये कैप के अंदर, जो ऊपर रेडिएटर का कैप आता है उसके अंदर प्रॉब्लम है। उसका कुछ टेम्परेचर बढ़ने के बाद में वो कैप जो है कि ओपन होना चाहिए अंदर से, उसका जो लबर होता है, दिखाता हूँ मैं आपको एक मिनट रुकिए। ये देखिए, ये कैप है और ये कैप का रबर है, ये कुछ इसका लिमिट दिया है, उतना टेम्परेचर होने के बाद में ये रबर जो है कि इस तरह से दब जाता है और एयर पूरा बाहर निकलता है। लेकिन भाई ये कंपनी को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये रेडिएटर का प्रॉब्लम नहीं है, रेडिएटर कैप का प्रॉब्लम है। अगर ये कैप हम चेंज कर देंगे और जो वही का कैप आता है वो वाला कैप लेके इसको डाल देंगे तो रेडिएटर ब्लास्ट नहीं होगा। ये देखिए, रेडिएटर यहाँ से ब्लास्ट हो जाता है, यहाँ से कहीं से भी ब्लास्ट होता है रेडिएटर, इसका प्रॉब्लम है ये ब्लास्ट होने का। तो भाइयों, ये कैप चेंज करने से इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये रेडिएटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका किसका रेडिएटर लीक हो चुका है तो भाई आप लोकल रेडिएटर ना डालें, बल्कि मानिकम कंपनी का जो रेडिएटर आता है वही रेडिएटर यूज करें। सब में बेस्ट ऑप्शन है वो VST पावर टिलर के लिए मानिकम का रेडिएटर आप यूज़ ज़रूर कीजिए। कूलिंग का सिस्टम भी उसमें अच्छा होता है और रेडिएटर लीक भी नहीं होता। तो भाई हम अब इसका रेडिएटर चेंज करने वाले हैं और इसको मानिकम डालने वाले, आपको दिखाएंगे फिटिंग करते वक्त कौन से कंपनी का रेडिएटर इसको फिट कर रहे हैं और रेडिएटर किस तरीके से फिट किया जाता है। तो भाई बने रहिए आप इस वीडियो के ऊपर, वीडियो को स्किप ना कीजिए। आज पूरी तरीके से आपको इंजन फिटिंग करके किस तरीके से फिटिंग होता है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे भाइयों। तो भाइयों, आप इस पावर टिलर के पास आ चुके हैं, ये पावर टिलर को हमने पूरी तरीके से ओपन किया है, अब इसको फिटिंग करेंगे। लेकिन फिटिंग करने से पहले ये देखिए, इसकी पूरी गंदगी जो है इसको पूरी तरीके से हम क्लीन करेंगे। तो अभी डीजल से हम उसे एक एक स्पेयर को क्लीन करेंगे और फिर इसको फिटिंग करने के लिए लेंगे, आपको दिखाएंगे फिटिंग करते वक्त। देखो भाई, इसका इंजन तो खोलना आसान है, फिटिंग करना भी आसान, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इसका कि इसका हम स्पेयर जो है वो क्लीन नहीं करते। डीजल से इसके स्पेयर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमको कौन सा स्पेयर सही है, कौन सा ख़राब है, ये समझ में आता है। तो इंजन जिस वक्त हम खोलते हैं उसी वक्त जो है कि पूरे स्पेयर को डीजल से क्लीन करना चाहिए भाई। हेलो दोस्तों, देखिए हमने इस इंजन को पूरी तरीके से क्लीन कर चुके हैं। अभी इसका लाइनर भी फिटिंग हो चुका है, अब इसका क्रैंक फिटिंग करेंगे। देखिए इंजन क्लीन हुआ है, इंजन का स्पेयर है ये भी पूरा क्लीन किया है। ये देखिए, इंजन क्लीन करते हैं। एक बात का ध्यान रखना है भाइयों आपको, ये जो इसका ऑयल फिल्टर है, ये ऑयल फिल्टर को पूरी तरीके से खोल के क्लीन करना है। अभी मैं अकेला था, मेरा हाथ गंदा था, इसलिए आपको दिखा नहीं सका कि इसको किस तरीके से खोल के ओपन करके इसको क्लीन करते हैं। इसको क्लीन करके पूरा फिट किया है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये वाला ऑयल फिल्टर है, ये ऑयल फिल्टर को निकाल के पूरा क्लीन करके फिर वापस से फिट कर दिया है। अभी इसको अभी जो है हम क्रैंक फिटिंग करने के लिए लेंगे। क्रैंक के अंदर बेयरिंग किस तरीके से फिटिंग होता है ये आपको दिखाएंगे। हेलो भाई, ये देखिए हम क्रैंक फिटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये बेयरिंग फिटिंग करने से पहले ये वाइसर होता है, ये वाइसर को फिट किया जाता है क्रैंक में। बोला की ये देखिए, ये वाइसर फिट हो चुका है। अब ये बेयरिंग फिट करेंगे, फिर गियर फिट करेंगे उसके ऊपर। तो भाई आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि पकड़ने
कैमरा पकड़ने के लिए दूसरा कोई नहीं है, तुम इसको ही बीयरिंग प्रेस करना है, अभी प्रेस होने के बाद में आपको मिलती है भाई। देखिए भाई इसका गियर पूरी तरीके से फिटिंग कर चुके हैं अभी, तो गियर टाइमिंग लगाया है इसका। बाकी क्या कर रहे, ये देखिए आप देख सकते हैं। अभी गवर्नर फिट करेंगे भाई इसका, ये वाला गवर्नर है, ये गवर्नर फिट करेंगे भाई इसका। यूट्यूब चैनल है तुमचा, यूट्यूब चैनल है का बोलता है लाटडे पोर है बुक तम्या यूट्यूब चल वाला यूट्यूबर आहे तुम्ही, किती आहे तुमचा सबस्क्राइब करत? ये देखिए भाई ये इसका गवर्नर फिट हो चुका है, ये स्पीड गवर्नर है VST का। ये गवर्नर रॉड है, देखिए भाई ये रॉड इस तरीके से फिटिंग किया जाता है इसमें। ये देखिए ये इस तरीके से वर्किंग करता है, जब इंजन स्टार्ट होगा तो ये वाला बाहर आता है, ये गवर्नर है इसका। अब इसका प्लेट बिठाएंगे और आपको दिखाएंगे लाल लाल का। ये देखिए भाई इसका टाइमिंग कवर फिट हो चुका है, और इधर का भी ऑयल सील वाला भी प्लेट हमने फिट कर दिया भाई। अभी कोई कैमरा पकड़ने के लिए नहीं था इसलिए आपको ऑयल सील किस तरीके से फिटिंग करता है वो दिखा नहीं पाए भाई। भाई देखिए अभी इसका ऑयल पंप फिट करने वाले, तो देखते रहिए भाई किस तरीके से ऑयल पंप फिट करते हैं। इकड़े कंशी पवन देखिए ऑयल पंप फिट करने से पहले जो ओरिंग आता है यहाँ का, ये ओरिंग है, ये ओरिंग फिट करना बहुत जरूरी है। देखिए ये ओरिंग फिट हो चुका है, अभी न्यू ऑयल पंप है VST का, जेन्युइन ऑयल पंप है। ये देखिए ऑयल पंप फिट करेंगे भाई, अभी समय पहले वाला रिंग बिठाएंगे इसके अंदर, फिर ये ऑयल पंप इसमें फिट करेंगे। ये देखिए ऑयल पंप फिट हो चुका है, अभी ये वाला कैप बिठाने से पहले इसको पेस्ट लगाएंगे। इसको कोई भाई पैकिंग नहीं आता, इसमें पैकिंग नहीं बिठाना। अगर पैकिंग फिट पैकिंग लगाया आपने तो ये एयर पकड़ेगा, ऑयल पंप चलेगा नहीं, ऑयल सर्कुलेशन नहीं करेगा, इसलिए ये पेस्ट लगाते हैं हम इसको, ताकि कहीं पे गैप ना रहे और ये एयर ना पकड़े। ये प्लेट है इसका और ये 13 नंबर 3 बोल्ट है। ये देखिए ऑयल पंप पूरी तरीके से फिट हो चुका है लाल बटन दाब। ये देखिए भाई देख सकते हैं आप फ्लाईव्हील हमने फिट किया है, पहले वाला ये स्प्रिंग वाइस, ये प्लेन वाइसर, फिर स्प्रिंग वाइसर, फिर 52 नंबर स्पैनर बैठने वाला ये बोल्ट है, ये बोल्ट फिट किए तो ये फ्लाईव्हील पूरी तरीके से फिट करते हैं। और फिर मिलते हैं आपसे, आपको स्पैनर दिखाते हैं हम फ्लाईव्हील फिट करने का, हमारे पास जो स्पैनर है।
ये देखिए भाई, इतना हेवी स्पैनर हमने तैयार किया है इसका। ये इस तरीके से हेवी स्पैनर है, ये देखिए इस तरीके से फिट करते हैं। तो भाई फिट करने के बाद में मिलते हैं आपको। पूरी तरीके से फ्लाईव्हील का नट टाइट हो चुका है, ये वाला फ्लाईव्हील पूरी तरीके से फिट हो चुका है। अभी इसके ऊपर का पुली बिठाएंगे, आपको दिखाएंगे। ये देखिए भाई, पिस्टन इसका फिट कर दिया है अभी हमने, पिस्टन फिट किया है। अब इसका कनेक्टर बोल्ट टाइट करेंगे। ओ आइल गया जरा, आइल गया, आइल आइल आइल। कनेक्टर बोल्ट टाइट करते वक्त इसके ऊपर आइल लगाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए आइल क्या खाली खाली टेबल जरा बरबर दिस भाई बरबर होते। ये मार्किंग टू मार्किंग आना चाहिए भाई, ये वाला मार्किंग टू मार्किंग आना चाहिए। मिस्त्री 10 किलो तक असेल, 10 किलो जास्त असेल तर आतमध्ये बरोबर दिसते का? हो ओके दिसते तर राव। फोर्टीन नंबर स्पैनर है, दोनों बोल्ट एक जैसा टाइट करना है, कमी जास्त नहीं होना चाहिए। ये देखिए कनेक्टर बोल्ट पूरी तरीके से टाइट हो चुका है। अभी इस फ्लाईव्हील को घुमा के देखना है कि ये कहीं पे जाम तो नहीं हो रहा। ये देखिए पूरी तरीके से इजी फिर रहा है, इजी घूम रहा है पूरी तरीके से। अभी इसमें क्या करना है, अभी इसमें सब में पहले तो ऑयल, इसमें ऑयल डालना है, और ऑयल डालने के बाद में इसका ऑयल पंप चेक करना है हमको। तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से ऑयल वर्किंग करता है। अभी इसके अंदर ऑयल डाल रहे हैं हम। ऑयल भी कंपनी का, VST कंपनी का दिया हुआ है, जेन्युइन ऑयल है इसका। ढाई लीटर ऑयल बैठता है इसके अंदर भाई, 2.5 लीटर। ये 20-40 ऑयल हमने यूज किया है। बस 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 लोग बताए ना क्यों लोग नहीं क्या खाया वो गड़े गड़े हमारे तू भी कर बोल भाई। हम इसका रेडिएटर चेंज करेंगे, ये वाला रेडिएटर निकालेंगे और उसमें मानिकम वाला रेडिएटर फिट करेंगे। रोटर रेडिएटर निकालने के लिए सब में पहले फैन का असेंबली निकालना पड़ता है, जो हमने निकाल दिया है। अभी 13 नंबर का 12 यानी 12 बोल्ट होता है। ये देखिए ये बोल्ट निकालेंगे और इसका रेडिएटर निकालेंगे, फिर दिखाएंगे आपको। ये देखिए भाई, इसका रेडिएटर पूरी तरीके से फिट हो चुका है। ये वीडियो बार बार इसलिए मैं निकाल रहा हूँ ताकि आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल सके, रेडिएटर का क्या प्रॉब्लम है। देखिए भाई, 2022 में मैंने जैसे बताया था कि बहुत सारे पावर टिलर को फाइबर का रेडिएटर आया है, एल्यूमिनियम का, उसका प्रॉब्लम होता है। उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। आपने क्या करना है, ये वाला जो कैप है, जो नया पावर टिलर के साथ में कैप आता है, उस कैप को चेंज कर देना है, और ये वाला कैप उसमें फिट करना है ताकि वो रेडिएटर का प्रॉब्लम ना आए। देखिए जाएगा कितना आपका, खाली 100-100 रुपये में ये कैप आ जाता है। लेकिन आप ये कैप नहीं चेंज करेंगे न्यू पावर टिलर का, तो आपको 6,000 रुपये को काम लग जाएगा, 6,000 का आपका नुकसान होगा। ये वाला आपको रेडिएटर डालना पड़ेगा, वो वाला रेडिएटर लीकेज हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ऊपर से ब्लास्ट होता है वो। तो जिस भी वक्त आप पावर टिलर लेते हैं, अगर आपके पावर टिलर में फाइबर का रेडिएटर आया है, तो आप सब में पहले उसका जो रेडिएटर का कैप चेंज कर दीजिए। वहाँ से आते वक्त ही शोरूम में से ये वाला 100 रुपये में कैप मिलता है, वही का जेन्युइन पार्ट है VST का, वो वाला लेके आइए। और देखिए ये वाला भी जो है कि हमने रेडिएटर चेंज किया, ये मानिकम का है, देख सकते हैं। ये देखिए मानिकम का यहाँ पे EM है, EM की बेजिंग है यहाँ पे,
ये मानिकम का बैजिंग है। यहाँ पे मानिकम का रेट भी फिट करना है इसको, जो वही में आता है। तो समझ गए भाई आपको कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि एक कैप चेंज कीजिए इसका। एक कैप के वजह से आपको 6000 रुपये का नुकसान हो जाता है, तो एक कैप चेंज करना बहुत ज़रूरी है भाई इसका। ये देखिए भाई, वॉल सेटिंग दिखाते हैं आप। ये देखिए इसका डांसिंग पोजीशन पे TDC आ गया। ये देखिए TDC दिख रहा है यहाँ पे, ये TDC इसका डांसिंग पोजीशन पे। ये देखिए डांस कर रहा है वॉल। तो क्या करना है आपको, एक वॉल दबा देना है अंदर, एक वॉल को पूरी तरीके से ओपन करना है, फिर दूसरे वॉल का सेटिंग करना है। दिखाते आपको सेटिंग किस तरीके से किया जाता है। देखिए भाई, ये जो सेटिंग जो कर रहे हैं हम, वो ईयर किन्नर का वाल का सेटिंग कर रहे हैं, एग्जॉस्ट वाल का। प्ले ज़्यादा है इसमें, इसको प्ले कम करेंगे। देखिए अभी भी बहुत प्ले है, और प्ले कम करना पड़ेगा। और ये भी देखना नहीं चाहिए, ये फ्री वर्किंग होना चाहिए ये वाला। ये देखिए इसका वॉल सेटिंग हो चुका है, एक दोस्त का भी इनलेट का करेंगे वॉल सेटिंग। देखिए दूसरा वाला अंदर चले गया, अब इसका वॉल सेटिंग करेंगे। देखिए इसका भी वॉल सेटिंग हो चुका है। अब इस बोर्ड को हम कसेंगे। 70 नंबर स्पैनर है, हो गया इसका वॉल सेटिंग। इतना इजी होता है वॉल सेटिंग, लेकिन वॉल सेटिंग दो TDC पे चेक करना है इसका भाई। ये तो हमने अभी कर दिया, इसका वॉल सेटिंग हो गया, लेकिन इसको दूसरे TDC पे TDC मार्किंग लेके चेक करेंगे। ये देखिए अभी ये न्यूट्रल पोजीशन में, अब पिस्टन टॉप पे इसका, ये देखिए ये मार्किंग TDC का आ गया। तभी हमने किया था वो डांसिंग पोजीशन पे किया था, आप न्यूट्रल पोजीशन पे आपको चेक करके दिखा रहे। ये देखिए इसका वॉल सेटिंग, देखिए दिख रहा है, ये देखिए उधर, एक मिनट साहब, ये देखिए सेम है वॉल सेटिंग। ये देखिए इस तरीके से इसका वॉल सेटिंग किया जाता है भाई। दो ऑप्शन है वॉल सेटिंग करने के, दोनों तरीके से आपको दिखाए हमने। ये देखिए भाई पावर डिलर पूरी तरीके से रिपेयर हो चुका है, पूरी तरीके से इसको फिटिंग किया है, अभी इसको स्टार्ट किया है हमने। ड्रॉप टाइमिंग ये सब सही है इसका, देखिए किस तरीके से एकदम क्लियर चल रहा है, इसका हैंडलिंग में रखा है। अभी ये कम से कम 15 घंटे ऐसी इसी तरह से हैंडलिंग में स्टार्ट रहेगा ये स्लो स्पीड में। जब भी आप कोई नया पावर ड्रिलर घर लाते हो, उसका इंजन का काम करते हो, तो उसको 10 से 15 घंटे उसको स्टार्ट करके रखना पड़ता है। आप लोग क्या करते हो, इंजन काम किया, पावर ड्रिलर नया लाया, तो उसको स्टार्ट नहीं रखते, तो फिर वो प्रॉब्लम आता है। तो इसको स्टार्ट रखना बहुत ज़रूरी है भाई, 15 मिनट इसको स्टार्ट रखेंगे भाई। ये पावर ड्रिलर के ओनर है, क्या नाम है भाई आपका? हनुमंत शंकर कंसे। इनका नाम हनुमंत शंकर कंसे। आपके पावर ड्रिलर काम सही से हो गया है? अच्छा हो गया काम। हाँ ये देखिए भाई, ये राजी है मेरे काम से, काम अच्छे सही तरीके से किया है मैंने इनका, ये इनका पावर डीलर है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नए प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। बने रहिए भाई आप इस चैनल के ऊपर।